बार बार ये जो आपको कहा जाता है ना, ये गाय के बारे में भी बोला जाता है, इसका अर्थ ये नहीं कि आपसे गाय के नाम लिया तो मतलब पैसा। कुछ लोग, जैसे आज महाराज जी बोल रहे थे ना कि कुछ लोग को लगता है ये तो धन कमाने का साधन। गाय का नाम आते ही लोग के मन में बस एक ही बात आ जाती है, अच्छा अब पैसे की बात करेंगे। बिल्कुल नहीं, ठीक है, सामर्थ्यवान हैं आप धन से तो कह दिया जाता है कि जो आपकी धन का सामर्थ्य है वो आप प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जब गाय की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि आप गाय की महिमा को समझें, और जब आप ही नहीं समझेंगे तो आगे आने वाले बच्चे तो कुछ भी नहीं जानेंगे। आप अपने घर के बच्चे से पूछिए कि आज का जो नई पीढ़ी का बालक है कि ये बटर जो है ये कहाँ से आता है, तो वो उत्तर देगा फ्रिज से आता है, क्योंकि उसने देखा ही यही है। उससे आगे वो जानता ही नहीं कि कौन गाय होती है, उसमें भी भारतीय जो हमारी देसी गाय होती है वो तो बेचारे ने कभी जीवन में नहीं देखी होगी। आप उनको समझा करके जाइए कि हमारी गाय को हमने भारतीयों ने माँ कह के पुकारा है, उनका दूध बार बार कहा जाता है कि माता फिर भी कुछ समय तक दूध पिलाती है, पर जो गाय होती है, जो गौ माता होती है, वो जीवन भर, जन्म भी गाय से होता है, और हमारे भारतीय संस्कृति में अंत्येष्टि भी गाय की पूंछ पकड़ के गौ दान करके ही होती है। मतलब जन्म से लेके ब्याह हो तो गाय चाहिए, बालक का जन्म हुआ हो तो पंचामृत चाहिए, कौन सा ऐसा शुभ कार्य है जिसमें गाय न पूजी जाती हो। और गाय के अंदर वात्सल्य इतना है कि आप उस वात्सल्य को समझें क्या है। गीता प्रेस गोरखपुर, शायद आपने नाम सुना हो, भारतीय धर्म की पुस्तकों के लिए सबसे प्रख्यात प्रिंटिंग प्रेस है, भाई श्री ने उसका शुभारंभ किया था। तो उस उनके द्वारा एक बड़ी सुंदर छोटी सी ही पुस्तक है, छोटी सी बुक है, गौ सेवा के अंक, मतलब माफ करिए, गौ सेवा के चमत्कार। गौ सेवा के अंक थोड़ी बड़ी है, पर गौ सेवा के चमत्कार एक छोटी सी पुस्तक है, और उसमें कई सारे उदाहरण हैं गाय के महिमा के, रियल उदाहरण जो सत्यता में घटे हैं वैसे उदाहरण। उसमें एक छोटी सी कहानी आती है, शायद आपने शहर का नाम सुना हो, इंदौर, मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बहुत बड़ी महारानी हुई, देवी अहिल्याबाई, एक बहुत बड़ी वीरांगना थी, रानी थी। तो इनका नाम पूरे राज्य में इसलिए प्रसिद्ध था कि ये निर्णय बड़ा कठोर करती। एक बार कोई पापी पकड़ लिया जाए तो उसको छोड़ती नहीं। और इन्होंने अपने राज्य के चौराहे पर, एक राउंड अबाउट था, उस सर्कल पर एक घंटी लटकाई हुई थी, और कहा हुआ था कि अगर मेरी प्रजा में से किसी को कभी लगे कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है, तो आकर ये घंटी बजा दे, मैं खुद उसे बुला करके अपने पास निर्णय करूंगी और उसे दंड दूंगी। घंटी लटकी हुई थी। एक दिन क्या हुआ, रानी अहिल्याबाई का खुद का बेटा रथ लेके जा रहा था, और जैसे रथ चला, रथ के आगे एक गौ माता का नवजात, अभी अभी जन्मा हुआ बछड़ा रथ के पहिए के नीचे आ गया और वो मारा गया। अब मरा, अब रानी का बेटा, इसके खिलाफ कौन आवाज उठाए, कौन कहे कि रानी तेरे बेटे ने एक गाय के बछड़े को मार दिया। सबने देखा पर सब चुप रहे। तब सांझ होते ही गाय आई, और गाय ने जाकर के उस घंटी को अपनी मुंह से पकड़ के जोर जोर से हिलाना शुरू किया, जोर जोर से हिलाया। तो रानी ने तुरंत दूतों को भेजा, जाओ देखो किसके साथ अन्याय हुआ, जाके बताए कि देवी वो तो गाय है।
अब ये क्या बोलेगी, ये क्या बताएगी? रानी ने कहा, मुझे पता है इसके साथ कुछ हुआ है, गाय बेकार में व्यर्थ में कोई काम नहीं करती है, पता करो क्या हुआ है। पता किया, खोज हुई, आके बताया, रानी इसके बछड़े को किसी ने कुचल करके मार दिया। बस इतना सुना था रानी ने, आगे नहीं सुना, बस इतना ही सुना और आदेश दे दिया, जिसने भी उसको रथ से कुचल के मारा उसको भी रथ के नीचे कुचलवा के मरवा दो, ये मेरा आदेश। अब दूतों ने कांपते हुए कहा कि रानी आप क्या बोल रही हैं, आप जानती हैं वो कौन है? आपका अपना बेटा है, उसने उसने उसके रथ से गाय का बछड़ा मरा। एक पल तो रानी को थोड़ा लगा क्या करूं, लेकिन फिर कहा, चाहे मेरा बेटा क्या, मैं स्वयं भी हूं, तो जो दंड मैंने दे दिया सो दे दिया, जाओ उसे रथ के नीचे मरवा दो। पूरी प्रजा, ये सच्ची घटना है, पूरी प्रजा इकट्ठी हो गई, रथ लाया गया, राजकुमार को बीच सड़क पर खड़ा किया, रथ आगे बढ़ा, लेकिन जो रथ सवार था वो एकदम घबरा गया, क्या करूं, राजकुमार को कैसे मारूं, रथ से कूद गया। महारानी, मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता, आपको जिससे कराना करा लो। कोई राजी नहीं हुआ तो रानी खुद रथ पर चढ़ गई, खुद रानी रथ पर चढ़ी और उसकी लगाम पकड़ के आगे बढ़ी। रथ बढ़ता गया बढ़ता गया, उस राजकुमार के ऊपर चढ़ने ही वाला था कि गाय आकर के रथ के सामने खड़ी हो गई, रथ के सामने खड़ी हो गई। और खड़ी भी कैसे हुई, हिंदी भाषा में कहते एक सीधा खड़ा होना, एक आढ़ा खड़ा होना, आढ़ा मतलब टेढ़ा, आढ़ी आकर के खड़ी हो गई। तो जिस स्थान पर वो गाय आढ़ी खड़ी हुई, आज भी आप इंदौर चले जाइए, इंदौर में आज भी वो चौराया है और उस चौराहे का और उस मार्केट का नाम ही आढ़ा बाजार है। गाय आढ़ी खड़ी हुई इसलिए उस बाजार का नाम ही आढ़ा बाजार रख दिया गया, ताकि लोग इस नाम से जाने कि क्या हुआ था यहाँ पर। तो लोगों ने जाकर के रानी को प्रार्थना की, हे रानी देखो गाय ने तुम्हारे बेटे को माफ कर दिया है, आप भी माफ कर दो, क्योंकि गाय जानती है मेरा बेटा मरा, मेरा बछड़ा मरा, मुझे कितना दुख हुआ, रानी का मरेगा इसको कितना दुख होगा, इसलिए स्वयं उसकी रक्षा के लिए आगे आके खड़ी हो। ऐसे कितने उदाहरण गौ माता की कृपा के हैं, वात्सल्य के हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सभी से, कृपया गाय को केवल अर्थ से जोड़ के कभी मत देखिएगा। गाय, ध्यान रखना कि गाय से पैसा तो आ सकता है, लेकिन अगर धीरे धीरे समय निकल गया तो पैसों से भी गाय नहीं आएगी।